गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम आर्टिकल एएनडी का प्रयोग कैसे करते हैं, उसकी कहां कहां गलतियां होती हैं, उसके एक्सरसाइज को हल करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, एएनडी का प्रयोग कहां किया जाता है, क्या क्या उसके नियम है, यह बताया जा चुका। करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे के वाक्य को शुद्ध कीजिए और इसमें वही गलती आर्टिकल की गलती दी गई है। जैसे पहला ही ये ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट का देख रहे यच से लिखा है लेकिन यच साइलेंट है, और जब यच साइलेंट है तो इसका उच्चारण हो रहा है ऑनेस्ट, आ से स्वर से वावेल से शुरू हो रहा है। आज जब वावेल यहां आएगा तो उसके लिए एन लगता है, ए नहीं लगता है, तो यहां ए को हटाएंगे, यहां एन लिख देंगे, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। दूसरा है काव इज ए यूजफुल एनिमल, जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, विस्तृत अर्थ में किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल डी लगा दिया जाता है। काउ यहां किसी एक काउ की बात नहीं हो रही, या सारे गायों की बात हो रही है। काउ ये फ्लेनर गाय लाभदायक जानवर होता है, तो इसके लिए उसके पहले दी लगा दीजिए, तो दी काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यहां दी लगा गया। तीसरा है दिस इज ए बेस्ट बुक, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा कहीं भी आएगा तो उसके पहले दी अवश्य रहेगा, तो ये हो जाएगा दिस इज दी बेस्ट बुक, ए बेस्ट बुक ने दी बुक, बेस्ट बुक सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी अवश्य रहता। सनराइज इन द ईस्ट, जितने भी यूनिट की चीजें हैं, सूरज चंद्रमा धरती सन मून स्काई अर्थ, उसके पहले दी अवश्य लगता है। जितने भी अद्वितीय चीजें हैं, जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जितने भी क्या कहते हैं, क्या वो किसी भी धर्म की हो, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रेगिस्तान है, खाड़ी है, महासागर है, पहाड़ है, उसके पहले दी लगाए जाते हैं, दी सन होगा, दी सन राइज इन द ईस्ट। दी मैन इज ए सोशल एनिमल, और जब किसी नाउन का प्रयोग, कॉमन नाउन का प्रयोग बहुत ही विस्तृत अर्थ में किया जाए, बिल्कुल व्यापक अर्थ में किया जाए, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है, दी को हटा देंगे, मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल। गंगा इज ए हाली रिवर, जितने भी बड़ी नदियां हैं, गंगा सरस्वती जमुना ब्रह्मपुत्र, उसके पहले दी अवश्य लगेगा, दी गंगा इज ए हाली रिवर। मिस्टर एमपी शुक्ला इज ए एमएलए, जितने भी एब्रिविएशन होते हैं, शॉर्ट नेम होते हैं, और उनका उच्चारण अगर वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले एन लगता है। जैसे यहां एमएलए का उच्चारण यम यल ए ए आ रहा है, तो यहां ए नहीं लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, एन एमएलए, है ना, यानी ए को हटाएंगे, एन डालेंगे, एन एमएलए। दिस इज ए इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग का उच्चारण आई ई हो रहा है, इंटरेस्टिंग स्वर है, तो जब स्वर से शुरू होगा ना तो उसके पहले एन लगता है, ए नहीं लगता, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ही इज मेकिंग ए नॉइज होता है, कभी मेकिंग ए नॉइज नहीं, ए नॉइज मेक ए नॉइज होता है, ही इज मेकिंग ए नॉइज। ही गेव मी एन यूजफुल बुक, यूजफुल यू से शुरू है, यू वावेल है लेकिन उच्चारण यो आ रहा है, कफ गगा वाली लिस्ट में आ रहा है, इसलिए यहां देखेंगे ही गेव मी ए यूजफुल बुक। यूजफुल का उच्चारण जब आप लिखेंगे तो यूजफुल यो में यो आ रहा है, इसलिए ए लगेगा। मुख्य मामला उच्चारण का है, अगर उसका उच्चारण अ आ ई इत्यादि से शुरू है, यानी ए ई आई ओ यू से शुरू है, तो ए लगाइए, और अगर कफ गगा बी सी डी इत्यादि से शुरू है, ए लगाइए। मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन रेनी सीजन, बताया स्काई हुआ, मून हुआ,
सन होगा उसके पहले दी अवश्य रहता है, तो यहाँ दी मून होना चाहिए। दी मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन रेनी सीजन। ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स इज सोल्ड एट दिस सन। सुपरलेटिव डिग्री देख रहे हैं बेस्ट आया तो उसके पहले दी अवश्य होना चाहिए। ओनली दी बेस्ट क्वालिटी गुड्स इज सोल्ड एट दिस सन। इंग्लिश इज नॉट इजी लैंग्वेज। इजी देख रहे हैं लैंग्वेज के आगे इजी आया हुआ है या एन इजी लैंग्वेज होना चाहिए। एन इजी लैंग्वेज इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज। माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगा हुआ है। इन दी हिमालय लेकिन यहां दी नहीं है। हिमालय बड़ा पर्वत है, बहुत पहाड़ियों की श्रेणियां श्रृंखलाओं का संयोग है हिमालय, तो यहां दी लगना चाहिए। बड़े पहाड़ के पहले दी लगता है तो माउंट एवरेस्ट इज दी हाइएस्ट पीक इन दी हिमालय। आरवेज है पुअर एंड दी वीक। यहां देखिए दी वीक लगा हुआ है लेकिन यहां दी छोड़ा गया है। Always help the poor and the weak। जब एडजेक्टिव को मल्टीपुल में वर्णन किया गया गुणात्मक वर्णन किया तो उसके पहले दी अवश्य रहता है। Always help the poor and the weak। सदैव गरीब और कमजोरों की सहायता कीजिए। An university degree is no guarantee for a job। तो यूनिवर्सिटी का उच्चारण यो से हो रहा है ए यूनिवर्सिटी एंड नहीं ए यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर इंडिया। ए यूनिवर्सिटी कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां दी शेक्सपियर कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में उस जाति के लिए किया जाए उस वर्ग के लिए किया जाए तो दी लगता है। या कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया होना। The cow is a useful animal। Useful का उच्चारण यो से हो रहा था एंड नहीं ए यूजफुल में एनिमल। The cow is a useful animal। A boy you see, लड़का जिससे को तुमने देखा या तुम देख रहे हो इज माई ब्रदर। ए बुआ नहीं दी बुआ वह लड़का जिसको तुम परिचित है ना। जब कोई व्यक्ति या वस्तु परिचित होती है तो उसके पहले दी लगते हैं। दी बुआ यू से इज माई ब्रदर। Have you seen? ताजमहल तो दी ताजमहल जितने भी अद्वितीय बिल्डिंग है ताजमहल लाल किला कुतुब मीनार उसके पहले दी लगता है। Have you seen दी ताजमहल। More you read, more you know। जब कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग आप करेंगे प्रेशर डालने के लिए दबाव डालने के लिए इंफेक्टिव करने के लिए तो उसके पहले दी रहेगा। दी मोर यू रे दी मोर यू नो जितना अधिक पढ़ोगे उतना अधिक जानोगे। हिज अंकिल इज ए एम पी। एम पी का उच्चारण एम पी हो रहा है इसलिए ए नहीं एन एम पी। जब उच्चारण स्वर से होगा तो एन लगेगा। हिज अंकिल इज एन एम पी। दी गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता जैसे दी यहां से हटाइए गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। पंडित नेहरू वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। पंडित नेहरू वाज यहाँ ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले दी लगाएंगे। पंडित नेहरू वाज दी ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। पंडित नेहरू वाज दी ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। महाभारत इज ए फेमस बुक। महाभारत हुआ कुरान हुआ गीता हुआ रामायण हुआ उसके पहले दी अवश्य लगेगा। दी महाभारत इज ए फेमस बुक। सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। सन सन के पहले दी होना चाहिए। दी सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। यानी इस तरह से आपने देखा कि आर्टिकल की गलतियां क्या क्या होती हैं और उसको कैसे सुधारा जाए। क्लियर।